हेलो फ्रेंड्स, आप सबका ऑल फील्ड कमांड चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग होम थिएटर का जो ऑडियो आउटपुट सेक्शन होता है, जिसमें जो है सबसे प्रचलित आईसी, सबसे पॉपुलर आईसी जो लगाया जाता है, जिसका नंबर होता है TDA 2030, तो उसके बारे में आज समझेंगे कि किस प्रकार से उसकी हम लोग टेस्टिंग करेंगे, जाँच करेंगे और कैसे समझेंगे कौन उसका इनपुट है, आउटपुट है। तो आइए देखते हैं। ये देखिए, 2030 जो आईसी होता है उसमें कुल मिलाकर 5 पिन होते हैं। तो आईसी के लिखे हुए भाग को सामने करेंगे। यहाँ पर जो है 2030 आईसी पिन जो है जो बनाए गए हैं, तो इसमें एक समझ लीजिएगा तो तीनों समझ में आपको आ जाएगा। तो देखेंगे हम लोग कि TDA 2030 जो आईसी होता है उसमें कुल मिलाकर के 5 पिन निकले होते हैं, और उसके पिनों की गिनती कैसे करते हैं। तो आईसी के लिखे हुए भाग को सामने और लेग को नीचे करके जब आप देखिएगा, तो यहाँ से पिन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 पाँच जो है पिन आपकी गिनती जो है किस प्रकार से किए। तो आईसी के लिखे हुए भाग को सामने करके और पिनों की गिनती स्टार्ट करते हैं और बाएँ से दाहिने की तरफ जाते हैं। तो जब जाएंगे बाएं से दाएं की तरफ, तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 कुल मिलाकर 5 पिन होगी। ठीक इसी प्रकार से ये भी आईसी है TDA 2030। तो इसमें भी देखेंगे हम लोग कि यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 किसी भी आईसी को प्रयोग करते समय, ऑडियो आईसी को जब प्रयोग करते समय हम लोग 4 बातों पर ध्यान देते हैं। नंबर 1 कि आईसी का पॉजिटिव पिन कौन है, आईसी का किस पिन को पॉजिटिव सप्लाई देंगे। तो TDA 2030 आईसी में आपको याद रखना होगा कि इसका पॉजिटिव पिन पिन नंबर 5 होता है। इसके पिन नंबर 5 को पॉजिटिव सप्लाई देते हैं तभी यह आईसी काम करता है। और दूसरी बात ये ध्यान देते हैं कि आईसी का निगेटिव पिन कौन है। तो ये 2030 आईसी में निगेटिव पिन 3 होता है। तो अभी हम समझे कि आईसी किसी भी ऑडियो आईसी में 4 बातों पर विशेष ध्यान देते हैं। पहला कि पॉजिटिव पिन कौन है, दूसरा निगेटिव पिन कौन है। तो ये तो हम जान गए कि 2030 जो आईसी होता है उसका पॉजिटिव पिन 5 होता है और निगेटिव पिन जो होता है वो 3 होता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी 2030 आईसी लगा हुआ है, तो इसमें भी यह जो है पिन नंबर 5 पॉजिटिव और पिन नंबर 3 निगेटिव होगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ जो आईसी लगा हुआ है, तो इसमें भी हम लोग देखेंगे कि पिन नंबर 5 पॉजिटिव और 3 निगेटिव। इसके बाद क्या ध्यान देना होता है, तीसरा चीज़ कि आईसी का इनपुट पिन कौन है। इनपुट उसे कहते हैं जिसमें कोई चीज़ कमज़ोर सिग्नल दिया जाए, किसमें कुछ दिया जाए, उसको इनपुट बोलते हैं। तो इस आईसी में कमज़ोर ऑडियो सिग्नल देने के लिए एक इनपुट पिन बना होता है, जो कि वो पिन नंबर 1 होता है। इसके पिन नंबर 1 को विभिन्न कंपोनेंट्स के द्वारा कमज़ोर ऑडियो सिग्नल देते हैं। तो इसका इनपुट पिन 1 हो गया। और चौथा बात ये याद रखते हैं आईसी में कि उस आईसी का आउटपुट पिन कौन है, जहाँ से शक्तिशाली सिग्नल आउट होता है उसको हम लोग आउटपुट बोलते हैं। तो इस 2030 आईसी में इसका आउटपुट पिन होता है पिन नंबर 4। जो कमज़ोर सिग्नल इस आईसी के पिन नंबर 1 में देंगे, वो आईसी उस सिग्नल को काफ़ी एम्पलीफाई करता है, पूरा मजबूत करेगा, शक्तिशाली करेगा, और शक्तिशाली करके 1 में मिलने वाला सिग्नल को पूर्णतः शक्तिशाली करके 4 से निकालेगा, और वही 4 से निकल कर सिग्नल स्पीकर को चला जाता है और हम लोग आवाज़ सुन लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी 2030 आईसी लगा हुआ है, तो इसके इनपुट पिन 1 को कमज़ोर सिग्नल देते हैं, कमज़ोर जो है जो वीक जो ऑडियो सिग्नल होगा उसको जो है पिन नंबर 1 में देंगे, और स्ट्रांग ऑडियो सिग्नल जो होता है वो पिन नंबर 4 से प्राप्त करते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी 2030 आईसी लगा हुआ है। अब देखिएगा कि अनेकों चैनल्स के लिए आपको जो होम थिएटर होते हैं उसमें अनेकों चैनल्स के लिए अलग अलग 2030 आईसी जो है लगे होते हैं, 2, 3, 4, 5, 6 के जो है संख्या में लगे हो सकते हैं। तो यहाँ पर समझने के लिए मैंने जो है फिलहाल में 3 ही बनाया है। तो इसमें देखिएगा कि फिर ये भी आईसी है, इसमें भी जो है इनपुट जो है 1 होता है और आउटपुट 4 होता है। 1 में कमज़ोर सिग्नल देते हैं, कमज़ोर जो वीक सिग्नल होगा उसको 1 में देंगे और 4 शक्तिशाली होकर के निकल जाएगा। तो किसी भी आईसी को प्रयोग करते समय 4 बातों पर ध्यान देते हैं। नंबर 1 कि उसका पॉजिटिव पिन कौन है, नंबर 2 आईसी का निगेटिव पिन कौन है, नंबर 3 कि आईसी का इनपुट पिन कौन है, और नंबर 4 आईसी का आउटपुट पिन कौन है। तो ये हम चारों बात जो चारों जो जो बातों की जानकारी करना है वो इस आईसी के बारे में हम लोग जान गए। अब क्या जानेंगे कि इस आईसी को जांच कैसे करेंगे कि आईसी सही है या खराब है, क्योंकि ये जो SMPS जो पावर सप्लाई होता है होम थिएटर का, उसमें आपको सप्लाई कैसे निकलता है, तो 12 वोल्ट पॉजिटिव, 12 वोल्ट निगेटिव और एक ग्राउंड, 3 प्रकार का जो है जो हम लोग को सप्लाई जो है आउट होता है, 12 वोल्ट पॉजिटिव, 12 वोल्ट निगेटिव और ग्राउंड। तो इस आईसी में पॉजिटिव जो है 12 वोल्ट पॉजिटिव सप्लाई आईसी के पिन नंबर 5 को देते हैं, और 12 वोल्ट निगेटिव सप्लाई उस आईसी के पिन नंबर 3 को देते हैं काम करने के लिए। ठीक इसी प्रकार से इस आईसी में भी यहाँ से निकलने वाला 12 वोल्ट पॉजिटिव SMPS पावर सप्लाई से 12 वोल्ट पॉजिटिव, इसके बारे में भी मैंने जो है पिछले जो है कुछ दिनों पहले जो है मैंने एक वीडियो डाला है, जिसमें SMPS के बारे में, होम थिएटर के SMPS के बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया है, आप उसको देख सकते हैं।
तो यहाँ पर 12 वोल्ट पॉजिटिव इस आईसी के भी पिन नंबर 5 को देंगे, यहाँ से निकलने वाला 12 वोल्ट पॉजिटिव इस आईसी के भी पिन नंबर 5 को देंगे, और यहाँ से निकलने वाला 12 वोल्ट पॉजिटिव इस आईसी के भी पिन नंबर 5 को देंगे, यहाँ से निकलने वाला 12 वोल्ट निगेटिव इस आईसी के पिन नंबर 3 को देंगे, यहाँ से निकलने वाला 12 वोल्ट निगेटिव इस आईसी के भी पिन नंबर 3 को देंगे, और यहाँ से निकलने वाला 12 वोल्ट निगेटिव इस आईसी के भी 3 को देंगे। तो ये आईसी अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। इसके बाद ग्राउंड है, ग्राउंड जो होता है वो बीच वाला ग्राउंड होगा। तो ग्राउंड जो है ये देखेंगे कि बहुत सारे जो है कंपोनेंट ग्राउंड से जुड़े होते हैं, अनावश्यक सिग्नल को ख़त्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए ग्राउंड से जो है जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर तीन तरह का जो है सप्लाई निकाला जाता है, और वो निकाल करके इस आईसी को दिया जाता है। तो यहाँ पर 12012 की सप्लाई लेकर के इस आईसी को देंगे। अब रखिए कि आईसी को अगर मान लीजिए कि सप्लाई की जांच करना है, आईसी को ये जांच करना है कि आईसी सही है या ख़राब है, तो कैसे हम लोग जांच करेंगे, कैसे समझेंगे कि आईसी सही है या ख़राब है, और आईसी का हम लोग जो है किस प्रकार से वोल्टेज की जाँच करेंगे। तो देखिए, आप जो है मल्टीमीटर ले लीजिए, और मल्टीमीटर लेने के बाद में यहाँ पर 12 वोल्ट निगेटिव जाँच करेंगे, और यहाँ पर 12 वोल्ट पॉजिटिव। इसके लिए मल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं मल्टीमीटर। तो देखिए, ये मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर को डीसी वोल्ट 20 वोल्ट के डीसी में फिट कर देंगे, और फिट करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे कि जो है कैसे जांच करेंगे इस आईसी को, सप्लाई की जांच कैसे करेंगे। तो ग्राउंड, ग्राउंड में मल्टीमीटर के काला तार को परमानेंट ग्राउंड में रखेंगे। जो ग्राउंड जो निकल रहा है वो ग्राउंड में मल्टीमीटर के काला तार को परमानेंट रखेंगे। इसके बाद लाल जो तार होगा उसको जो है हमको यहाँ रखना है। जब यहाँ पर लाल तार रखेंगे मल्टीमीटर का, तो यहाँ पर 12 वोल्ट पॉजिटिव शो करेगा, और जब लाल तार यहाँ रखिएगा तो 12 वोल्ट निगेटिव शो करेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर 12 वोल्ट निगेटिव और यहाँ पर 12 वोल्ट पॉजिटिव शो करना चाहिए। और काला तार को परमानेंट कहाँ रखेंगे, तो ग्राउंड लाइन में रखेंगे, यानी कि लंबी जो चौड़ी पट्टी होता है ऑडियो सेक्शन का, ऑडियो आउटपुट सेक्शन का, उसमें जो है काला तार को रखेंगे, और लाल तार से यहाँ पर चेक करेंगे तो 12 वोल्ट निगेटिव शो करेगा। निगेटिव कैसे शो करेगा, तो मल्टीमीटर के मॉनिटर पर जो स्क्रीन होता है उसके साइड में निगेटिव का चिन्ह बना होगा, और उसके बाद 12 वोल्ट लिखेगा। तो यहाँ पर 12 वोल्ट निगेटिव, यहाँ पर 12 वोल्ट पॉजिटिव चेक कर लेंगे, फिर यहाँ पर भी 12 वोल्ट निगेटिव 12 वोल्ट पॉजिटिव चेक कर लेंगे, यहाँ पर 12 वोल्ट पॉजिटिव 12 वोल्ट निगेटिव। लेकिन याद रखना है कि मल्टीमीटर से जब भी जांच करेंगे तो काला तार को परमानेंट निगेटिव लाइन में रखेंगे, और लाल तार से बारी बारी से यहाँ पर निगेटिव पॉजिटिव की जाँच कर लेंगे। इसके बाद क्या आईसी वास्तव में सही है या नहीं है, इसकी कैसे जाँच करेंगे। तो इसकी जाँच करने के लिए आपको करना क्या है कि आईसी के आउटपुट पिन 4 पर चले जाइए। आईसी का जो आउटपुट पिन होता है वो 4 पर चले जाइए, और 4 पर आपको क्या जांच करना है, तो यहाँ पर आपको चेक करना है 12 वोल्ट पॉजिटिव सप्लाई। वो कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए मल्टीमीटर के काला तार को आईसी के पिन नंबर 3 पर रखिए। मल्टीमीटर का जो काला तार होगा उसको आईसी के पिन नंबर 3 पर रखिए, और लाल तार को यहाँ पर रखिए पिन नंबर 4 पर। जब रखिएगा तो यहाँ पर 12 वोल्ट शो करना चाहिए। अगर 12 वोल्ट बताए, और यहाँ जब चेक कीजिएगा मल्टीमीटर के काला तार को यहाँ रखेंगे, लाल तार को यहाँ रखिएगा, तो 24 वोल्ट। अगर 12012 निकलता होगा तो यहाँ पर काला तार रखेंगे, यहाँ पर लाल तार रखेंगे, तो उस स्थिति में आपको 24 वोल्ट मल्टीमीटर के स्क्रीन पर शो करेगा। और जब यहाँ पर काला तार और यहाँ पर लाल तार रखिएगा तो आपको 12 वोल्ट शो करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से इसमें जाँच करेंगे, मल्टीमीटर के काला तार को यहाँ रखेंगे, लाल तार को यहाँ रखेंगे, और जो है हम लोग 200 वोल्ट के रेंज में मल्टीमीटर को फिट कर देंगे। फिट करने के बाद में यहाँ पर जो है काला तार रखेंगे, यहाँ पर लाल तार रखेंगे, तो 24 वोल्ट शो करेगा। और अगर आईसी सही होगा तो अगर यहाँ काला रखिएगा यहाँ पर लाल रखिएगा, तो पिन नंबर 4 पर आपको 12 वोल्ट शो करना चाहिए। अगर 12 वोल्ट शो नहीं करता है तो ये मानिए कि आपका आईसी जो है ख़राब हो गया है, या आईसी जो है आईसी संबंधित कोई पुर्जे जो है गड़बड़ा है। इसी प्रकार से यहाँ चेक करेंगे, मल्टीमीटर के काला तार को परमानेंट यहाँ रख देंगे, और उसके बाद लाल तार से यहाँ चेक करेंगे, तो यहाँ पर जो है 24 वोल्ट शो करना चाहिए, और यहाँ पर पिन नंबर 4 पर जो है हमको 12 वोल्ट शो करना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ तक जांच करेंगे। इसके बाद फाइनल जांच क्या है, और कि आईसी के इनपुट पिन को किसी चिमटी से छूइए, किसी जो है मेटल से इसके पिन नंबर इनपुट पिन जो 1 होता है उसको क्या करना है, छूना है, आपको टच करना है। और जैसे ही इसको टच कीजिएगा तो आपको स्पीकर से तेज आवाज़ निकलनी चाहिए, किसी भी प्रकार का गड़गड़ाहट तर्राहट जिस प्रकार का आवाज़ हो निकलनी चाहिए, जिसको हाई ग्रिड बोलते हैं। तो आईसी के इनपुट पिन को जब छुएंगे तो हमको स्पीकर से हाई ग्रिड प्राप्त होनी चाहिए, यानी कि तेज आवाज़ निकलनी चाहिए। और अगर आवाज़ निकले
तो ये मानिए कि आपका आईसी बिल्कुल सही काम कर रहा है। ठीक इसी प्रकार से इस आईसी के इनपुट पिन को जब छुएंगे तो हमको हाई ग्रिड मिलने चाहिए। हाई ग्रिड का मतलब है कि तेज घड़घड़ाहट की आवाज़ स्पीकर से निकलनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार से इस आईसी के इनपुट पिन को छुएंगे तो आपको स्पीकर से तेज घड़घड़ाहट की आवाज़ निकलनी चाहिए। अगर निकले तो ये मानेंगे कि हमारा आईसी सही काम कर रहा है। तो इस प्रकार से दो तरह से आईसी जाँच करेंगे, पहला कि आईसी का जो निगेटिव है वहाँ पर मल्टीमीटर काला तार रखेंगे और पॉजिटिव पर जो है ये जो पिन है उस पर जब लाल तार रखेंगे तो आप 12012 है तो यहाँ पर 24 वोल्ट बताना चाहिए और उसकी 24 वोल्ट बताए तो उसके ठीक आधी सप्लाई आईसी का आउटपुट पर हमको 12 मिलनी चाहिए। अगर मिले तो आईसी को लगभग सही मानेंगे। तो यही है हमारा ऑडियो सेक्शन। अगले जो है आपको वीडियो में जो है इसके प्रैक्टिकली रूप से आपको दिखलाया जाएगा कि किस प्रकार से जो है ऑडियो आईसी की हम लोग जाँच करते हैं और किस प्रकार से जो है रिपेयरिंग में उसकी जो हम लोग किस प्रकार से जो है भली भांति जो है उसकी हम लोग रिपेयरिंग करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच जो आपने इस वीडियो को वॉच किया और हम चाहेंगे कि मेरे चैनल्स को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।